बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूँ शाहजहाँ। मैं आपको शाहजहाँ सिस्टर किचन कॉर्नर यूट्यूब चैनल पर वेलकम करती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी खैरियत से होंगे। आज मैं अपने किचन में बनाने जा रही हूँ बहुत मजेदार टेस्टी यम्मी देगी चिकन बिरयानी की रेसिपी, जो बहुत मजे की और बहुत टेस्टी तैयार होती है। ये बिरयानी मैं आपको सिंपल तरीके से इसी तरह तैयार करना सिखाऊंगी जिस तरह हम शादी ब्याह में जाते हैं और बिरयानी खाते हैं देगी। चलिए मैं अब आपको बताऊंगी देगी चिकन बिरयानी बनाने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत है। हाफ के जी मैंने चावल लिए, मैंने इसे आधा घंटा पहले भिगो दिया था। 1 टीस्पून मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। 1 प्याली मैंने दही ली है। 1 प्याली मैंने ऑयल लिया है। जितना मैं शामिल करूंगी मैं आपको बता दूंगी। 1/2 केजी मैंने चिकन लिया है। 1 बड़े साइज का टमाटर लेकर मैंने पीसीस में काट लिया है। 3 से 4 अदद मैंने हरी मिर्च लिया, इसे बीच में से चाक कर लिया है। 1 बड़े साइज की प्याज लेकर मैंने बारीक काट लिया है। हसबे जरूरत मैंने पुदीना लिया बारीक कटा हुआ। 1/2 टीस्पून मैंने लाल मिर्च पाउडर लिया है। 7 अदद मैंने आलू बुखारे लिए हैं। 1/2 टीस्पून मैंने गर्म मसाला लिया है साबित। 1 टीस्पून मैंने नमक लिया है। 1/2 टीस्पून मैंने धनिया पाउडर लिया है। अब मैं आपको बताऊंगी कि देगी चिकन बिरयानी मैं किस तरह तैयार करूंगी। मेहरबानी में ऑयल शामिल कर देंगे। अभी मैंने 1/2 कप ऑयल शामिल किया है इसमें। ऑयल गर्म हो जाए फिर प्याज शामिल करेंगे। तेल अच्छे से गर्म हो गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम प्याज शामिल करेंगे। प्याज को ब्राउन करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, इससे आपको मेरी न्यू रेसिपी का नोटिफिकेशन मिल सकेगा। आप मेरी रेसिपीज को लाइक और शेयर किया कीजिए फैमिली फ्रेंड के साथ, रिलेटिव्स के साथ, और मेरी रेसिपीज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए ताकि मेरी हौसला अफजाई हो और मैं आपके लिए मज़ीद अच्छी रेसिपीज लेकर आ सकूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम गर्म मसाला शामिल करेंगे इसमें। साबित जो मैंने लिया था अच्छे से फ्राई करेंगे इसके साथ ताकि इसका टेस्ट आ जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे और इसे अच्छे से भूनेंगे ताकि लहसुन अदरक की स्मेल खत्म हो जाए। मेरी रेसिपी जरूर ट्राई कीजिएगा। ईद मेन्यू में ये बहुत मजे की और बहुत टेस्टी देगी बिरयानी घर में तैयार कर सकते हैं सिंपल तरीके से, और इसका टेस्ट बिल्कुल ऐसे होगा जैसे हम शादी ब्याह में देगी बिरयानी खाते हैं ना, इस तरह का टेस्ट होगा। मैं घर के मसालों से ये देगी बिरयानी तैयार कर रही हूँ। मैंने इसके अंदर कोई बाजारी मसाला बिरयानी मसाला वगैरह शामिल नहीं किया, सिंपल तरीके से घर के मसालों से मेरी देगी बिरयानी तैयार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अब टमाटर शामिल कर लेंगे, हरी मिर्चें शामिल कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नमक शामिल करेंगे जो हमने 1 चम्मच दिया था, चावलों में भी 1 चम्मच शामिल करेंगे। मिक्स कर लेंगे। दही शामिल कर लेंगे जो हमने 1 प्याली ली थी, इसे मिक्स कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मसाला शामिल कर लेंगे इसमें। मिर्च पाउडर शामिल करूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम धनिया पाउडर शामिल करूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आलू बुखारा शामिल, इसे अच्छे से भून लेंगे।
5 मिनट के लिए भूनेंगे ताकि मिर्चों की हवा खत्म हो जाए। बिस्मिल्लाह हमारी हाफ प्याली पानी चाहिए कर दूंगी इसमें, इसे भून लेंगे अच्छे से, इसे अच्छे से भूनना ताकि मिर्चों की जो हमक है वो कच्चे मसाले की खत्म हो जाए। इसे 5 मिनट के लिए ढक के रख दूंगी ताकि ये हरी मिर्च टमाटर वगैरह सब मसालेदार अच्छे से कुक हो जाए। 5 मिनट हो गए हैं, आटा और तमाम मसालेदार अच्छे से कुक हो गया। अब इसके अंदर मैं गोश्त शामिल करूंगी, इसमें लहर मारी चिकन शामिल करेंगे और इसे अच्छे से भूनेंगे। अच्छे से भूनना है आपने इसे, मैंने इसके अंदर हाफ कप ऑयल शामिल किया है। दो से तीन मिनट भून लेंगे। भूनते हुए 2 से 3 मिनट हो गए हैं। अब मैं इसके अंदर पानी शामिल करूंगी, 3 गिलास पानी शामिल कर रही हूँ इसके अंदर। अब इसको बॉयल आ जाए इसे मैं ढक दूंगी, जब इसे बॉयल आएगा फिर इसके अंदर चावल शामिल करेंगे। मान ली 1 टीस्पून मैं इसमें नमक शामिल करूंगी, बॉयल हो गया अब इसमें चावल शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, मिक्स कर लेंगे। 10 मिनट के लिए मैं पकने के लिए चावलों को रख दूंगी, 10 मिनट बाद में आपको दिखाऊंगी चावल कैसे तैयार हुए। पानी अच्छे से ड्राई हो गया है, इसमें लहर मानी पीला कलर शामिल कर लेंगे। इसमें लहर मानी पुदीना शामिल कर देंगे। 5 मिनट के लिए मैं इसे दम कर दूंगी। अब चावलों को मिक्स करूंगी, चावल तैयार हो गए। चिकन देगी बिरयानी तैयार होगी, अब मैं आपको इसे डिश आउट करके दिखाऊंगी। चिकन बिरयानी तैयार है। अगर आपको ये देगी चिकन बिरयानी की रेसिपी पसंद आई है तो इसे अपने घर में जरूर ट्राई कीजिएगा। इस देगी चिकन बिरयानी की रेसिपी को लाइक और शेयर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, इससे आपको मेरी न्यू रेसिपी का नोटिफिकेशन मिल सकेगा। अब इसी के साथ मैं आपसे इजाजत चाहती हूँ, अल्लाह हाफिज़।